वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मिशन चंद्रयान 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके आने वाले आर्मी एग्जामों के लिए पूरा जीके करेंट अफेयर्स कवर करूँगा, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल देंगे। चलिए मैं आज आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, मिशन चंद्रयान 2। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी स्टार्ट किया जाए। चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च कब किया गया? 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV Mark 3। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? इसरो। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। इसरो के फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया? 960 करोड़ रुपए। इसरो भारतीय। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, बेंगलुरु। चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतारना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? एम वनीता और रितु करिधर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 53 से 54 दिन। चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? दूसरा। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? 380 करोड़ रुपए खर्चे आए थे चंद्रयान 1 को। चंद्रयान मिशन के समय 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया? PSLV C-11। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 की सफल सेंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? चौथा। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से? ऑर्बिटर, लैंडिंग एवं रोवर। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर का क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर का क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया था? इजराइल। चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था? 22 फरवरी को। उतने इम्पोर्टेंट ये नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 38440 किलोमीटर। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी के समय कितने समय में पहुंचती है? 1.30 सेकेंड। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? 1/6। पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रकाशित भाग दिखाई पड़ता है? 59%। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3478। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा पर उतरे थे? अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? 20 जनवरी 1969, जिस समय इसरो की स्थापना हुई थी 1969 इसी ईयर में। किस जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा 2 का वजन कितना है? 3877 किलोग्राम। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। ऑर्बिटल का काम क्या है?
मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। ऑर्बिटल का यह मुख्य कार्य है। यदि आपको मेरा वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आई होप आप ये करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मुझको नहीं पता। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दे। बाय, आपसे आगे वाले वीडियो में मिला जाएगा।